मनीष कुमार, राम राम। चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं, अब बात करेंगे कैलेंडर में दिन कैसे निकालें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब देखिए, कोई भी मैं दिन लिख रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हम हमारा देख लेते हैं आजादी हमें किस दिन मिली थी। ये बात सबको पता होगी कि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 15 अगस्त 1947, तो अक्सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि भारत किस दिन आजाद हुआ था। यदि किसी भाई को पता हो तो कमेंट करें जल्दी, भारत किस दिन आजाद हुआ था, दिन क्या था भारत किस दिन। फ्राइडे सर, फ्राइडे सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी किसी को पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं किस दिन, फ्राइडे सर, फ्राइडे, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे जिसको नहीं पता कि दिन निकालें कैसे। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, हमें 5 चीजों का प्रयोग करना है, तारीख, महीना, शताब्दी, साल, और साल का प्रयोग 2 बार करेंगे। मैंने यहाँ 5 चीजों को अंडरलाइन किया है, 4 तो आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं, ये तारीख है, ये साल है, ये शताब्दी है, और ये तारीख थी, ये महीना था, सॉरी तारीख, महीना, शताब्दी, और ये साल है, और साल का प्रयोग 2 बार करेंगे, इसलिए नीचे और ऊपर दोनों जगह हमने लाइन लगा दी है। तो अब हम देखेंगे, बात करेंगे किस प्रकार से 5 चीजों में से अंदर वाली दोनों चीजों का, जो महीना और शताब्दी है, इनका हमें कोड प्रयोग करना है। अंदर वाली दोनों का कोड प्रयोग करना है और बाहर वाली दोनों को हमें सेम लिखना है, यानी जो तारीख और साल है इनको सेम लिखना है। अंदर वाली दोनों चीजों का कोड प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखते रहें सभी विद्यार्थी किस प्रकार से कोड प्रयोग करेंगे। इन 2 चीजों के मैं कोड डाल रहा हूं सबसे पहले यहां पे। सबसे पहले बात करेंगे महीनों के कोड। आप भी पेन और कॉपी लेकर साथ में बने रहें, पेन और कॉपी अवश्य ले लें, क्योंकि मैं सवाल बोलूंगा तो फिर एक बार सीखने के बाद देखते हैं कौन कितना जल्दी सवाल को हल कर पाएगा। कमेंट करके साथ के साथ आपको बताना है। तो महीनों के कोड आप नोट करेंगे, महीने के कोड रहेंगे 144 025 036 146। ये तो रहेंगे आपके साधारण वर्ष के कोड, और लीप वर्ष के रहेंगे 034। बाकी सारा रहेगा आपका सेम। ऊपर वाले यदि हम बात करते हैं, ये रहेंगे साधारण वर्ष के लिए, और नीचे वालों की बात करते हैं तो ये रहेंगे लीप वर्ष के लिए। ऊपर वाले साधारण वर्ष, नीचे वाले लीप वर्ष, ये बात सबको पता होगी। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 28 की होती है, बातें मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को पता होंगी। बात करें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है। तो ये नीचे वाले कोड लीप वर्ष के लिए हैं, ऊपर वाले कोड साधारण वर्ष के लिए। अब इन कोडों को हम बार बार नहीं देखेंगे, इन कोड को अब हमें याद भी करना है। किस प्रकार से इन कोड को याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, ये अंक टोटल मैंने 12 लिख दिए हैं, 3 अंक 6 9 12, टोटल 12 अंक हैं, और महीने भी कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो सबका कोड एक एक है। इसका मतलब कोई आपसे पूछे जनवरी का कोड तो हमें 1 यूज करना है, फरवरी का कोड 4 यूज करना है, मार्च का कोड 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से हमें इनके कोड प्रयोग करने हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, कोड भी याद कैसे रखें, कई विद्यार्थियों की समस्या होती है सर कोड याद नहीं रहते। चलिए आज इसलिए हम आपके पास आए हैं, आज हम कोड याद करवाएंगे। नीचे वाले तो आपको याद ही नहीं करने हैं, नीचे वाले कोड तो आपको क्या है, सेम लिखने, ये भी सेम है, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, बस यहां पे फर्क है 1 की जगह 0 और 4 की जगह 3। चलिए तो देख लेते हैं याद कैसे रखें। सबसे पहले 12 अंक हैं, तो सबके एक एक कोड रहेंगे, सभी का एक एक। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 12 का स्क्वायर, महीने 12 होते हैं, तो याद रखने के लिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 25 को मुझे 3 डिजिट में लिखना हो तो बताइए 25 के मैं पीछे 0 लगाऊं या 25 के आगे 0। तो सभी विद्यार्थियों पता होगा, कोई रजिस्टर में भी सीरियल नंबर 2 अंकों वाली संख्या 3 अंकों में लिखनी है तो वो सीरियल नंबर के आगे 0 लगा दी जाती है, तो इसलिए 25 न बोल के इसको 0-25 बोलेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमने लिखा 12 महीने थे, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का वर्ग 0-25, 6 का वर्ग 0
0-36, 144 में दो जोड़ा 146, क्योंकि बीच में दो सेट आए, हमें याद रखना है बस 144 में दो जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा 146। फिर देख लेते हैं महीने टोटल 12, तो 12 का स्क्वायर 144, जितने महीने थे उसका स्क्वायर 12 महीने, 12 का स्क्वायर 144। फिर 5 का स्क्वायर 0-25, 6 का स्क्वायर 0-36, 144 में दो जोड़ा तो 146, ये रहेंगे आपके महीनों के कोड। अब हम देखेंगे दूसरे साधारण वर्ष के थे, लीप वर्ष के, कुछ नहीं करना। जनवरी का साधारण में एक था तो लीप में एक कम हो गया 0, साधारण में फरवरी 4 की थी तो यहाँ फरवरी हो गया 3, बस एक एक कम हो जाएंगे, बाकी महीने रहेंगे सेम। तो चलिए एक बार फिर रिपीटेशन कर रहा हूँ, महीने हैं 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0-25, 6 का स्क्वायर 0-36, 144 में दो जोड़ा क्योंकि 144 के बाद बीच में दो सेट आए तो 140। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोड याद हो गए होंगे। एक बार बता दीजिए क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई क्या, सबको समझ में आ गई क्या, एक बार ये बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी है क्या, एक बार जल्दी से कमेंट। यस सर फ्राइडे आएगा सर, हाँ वो तो देखेंगे आएगा क्या सर, डेली लाइव आ करो, बिल्कुल डेली लाइव क्लास लेंगे मेरे भाई, बीच में 2-3 दिन प्रॉब्लम थी इसलिए लाइव नहीं आ पाए, बस आप यूं ही कंटिन्यू जुड़े रहें, आपकी डेली क्लासें रहेंगे, एग्जाम आने से पहले आपको जरूर सारा सिलेबस कवर करवाएंगे हमारे चैनल पर, बस आप जुड़ते रहें। यस सर चलिए बहुत बढ़िया, अब देख लेते हैं, ये तो थे महीनों के कोड, तो आप बताइए महीना 8वां है तो कोड क्या लेंगे, 3-3-6-2-8, तो 8वां कौन है, 3 है, तो 8वें महीने का कोड क्या ले लेंगे, 3। अब देख लेते हैं शताब्दी के कोड भी कैसे याद रखे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शताब्दी के कोड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड किस प्रकार यूज करेंगे, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ शेष फल और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोड, 0-1-2-3-0-2-4-6, देखिए ये कोड रहेंगे और 4 से हमें भाग करना है, ध्यान दें शताब्दी को 4 से भाग करना है, मेरे ख्याल से नीचे एक बार देख लें, दिखाई दे रहा है नीचे, नहीं एक मिनट में देख रहा हूँ, नीचे भाई थोड़ा सा कट गया है, कमेंट में भी आ रहा है, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे से थोड़ा कट गया है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इनको, चलिए ऊपर यूज कर लेते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 0-1-2-3-0-2-4-6, ये आपके शेष फल हैं और ये आपके कोड हैं और पूरे को 4 से भाग करना है, ये आपके शेष फल और ये आपके कोड हैं, पूरे को 4 से भाग करना है। याद कैसे रखें, देखिए सबसे पहले तो बता दूं यूज कैसे होंगे, ये बात देख लो, ये शताब्दी थी इसको 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, शेष बचा 3, 3 शेष बचा तो कोड हम क्या यूज कर लेंगे, कोड हम 3 यूज कर लेंगे, इसी प्रकार तो 0 शेष बचेगा तो कोड क्या लेंगे 6, 1 शेष बचेगा तो कोड क्या लेंगे 4, 2 शेष बचेगा तो कोड क्या लेंगे 2, 3 शेष बचेगा तो कोड लेंगे 0। और अब देखिए कुछ नहीं करना, याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है, सभी मन मन में गुनगुनाएंगे 0-1-2-3-0-2-4-6, ऊपर से नीचे आए हैं और नीचे से ऊपर चले गए हैं, यहां से कंटिन्यू गणना थी 0-1-2-3-0-2-4-6, यहां कंटिन्यू, यहां दो दो के गैप में आसानी से याद हो जाएंगे। कर दी गुरुजी शेयर क्लास, बहुत बढ़िया है, क्लास शेयर कर दी, तो हिमांशी हुडा ने क्लास को शेयर कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए अब देख लेते हैं, तो बड़ा आसान है 0-1-2-3-0-2-4-6, 0 शेष बचेगा तो कोड क्या लेंगे 6, 1 शेष बचेगा तो कोड 4, 2 शेष बचेगा तो कोड 2, 3 शेष बचेगा तो कोड 0, जल्दी से कमेंट करके बताएं 4 शेष बचेगा तो कोड क्या लेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 4 शेष बचेगा तो कोड क्या प्रयोग में लेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए 4 शेष बचेगा तो कोड क्या लेंगे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एक ने कहा जी 4 लेंगे, वीरू शोकंद ने कहा जी 4, सुरेश कुमार ने कहा जी 6 ले लेंगे, जल्दी से कमेंट करके 4 शेष बचेगा तो क्या कोड लेंगे, सर 0 लेंगे, 6 लेंगे,
एक लेंगे छह लेंगे। चलिए मेरे भाई ध्यान दें, पहली क्लास का सवाल है, हम भाग किससे दे रहे हैं? चार से। मेरे भाई ध्यान रखें, चार से इस बचेगा ही नहीं, आपको ध्यान रखना है चार शेष बचेगा नहीं मेरे भाई। भाग जब चार से दे रहे हैं तो अधिकतम शेष तीन ही बचेगा, अधिकतम शेष तीन बचेगा, चार कभी भी शेष नहीं बचेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज के बाद ये गलती नहीं करनी, कोई आपसे पूछ ले किसी संख्या को 99 से भाग दें तो अधिकतम शेष कितना बचेगा, जल्दी कमेंट करके बता दो, किसी संख्या को 99 से भाग दें तो अधिकतम शेष कितना बच सकता है, जल्दी कमेंट कर दो, किसी संख्या को 99 से भाग दें तो अधिकतम शेष कितना बच सकता है। एक ने कहा सुरेश कुमार ने 98। चलिए जल्दी से कमेंट, किसी संख्या को 99 से भाग करें तो अधिकतम शेष 98। समझ में आ गया क्या सभी को? अधिकतम शेष उससे पीछे वाली संख्या बच सकती है, तो चार से भाग दे रहे थे तो अधिकतम शेष तीन ही बच सकता है, तो चार नहीं बचेगा, 99 से देंगे तो 98 बच सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर रिपीट कर रहा हूं, महीने थे 12 तो 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 025, 6 का स्केयर 036, 144 में 2 जोड़ा 146। ये तो आसानी से वर्षों के महीनों के कोड याद रख सकते हैं और शताब्दी के कोड 01230246 याद हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं सवालों को चुटकियों में हल किस प्रकार से करना है। देखिए पांच चीजें प्रयोग करनी है, तारीख, महीना, शताब्दी, साल, साल का प्रयोग दो बार करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान देंगे, अब सभी विद्यार्थी ध्यान से सीखिए, पहली व आखिरी का प्रयोग करेंगे, 15+47 लिख देंगे। सबसे पहले 15+47 हर बार हर सवाल में पहली व आखिरी का प्रयोग करेंगे, बात आपको ध्यान में रखनी है। सर हरियाणवी में बोलो थोड़ा सा, ले भाई हरियाणवी में बोल पड़ांगे तो कहे तो कौन सा भाई कब है, रिंकू परमार कह रहे हैं हरियाणवी में बोलो जी, सारा हरियाणवी में बोल देंगे, थोड़ा सा जिस ही तरह इच्छा है उसे भाषा में बोल देंगे भाई, बस तुम बताते रहो सर हरियाणवी, हा 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 हा, चलिए हरियाणवी में बोल देंगे भाई। तो 15 ले लिया, 47 ले लिया, पहली राखरी का प्रयोग कर लेंगे एज इट इज, कंटिन्यू बात करूंगा। देखो पहली राखरी का प्रयोग ज्यों का त्यों आपने कर लिया, 15+47 आपने लिख दिया। आठवां महीना कोड देखेंगे, 3 3 6 2 8, आठवां महीना कोड कौन है, 3, तो यो लो भाई उठते 8 बिटा दिया मैंने, आठवां महीना कोड 3, 8 बिटा दिया। इब लास्ट के दोनों 4 से भाग देंगे, लास्ट की दोनों को याद रखना 4 से, अगली का शेषफल और पिछली का भागफल लिखना है, अगली का शेषफल और पिछली का भागफल लिखना है, 4 चौके 16, शेष 3 बचा, तो शताब्दी थी, शताब्दी है ये, शताब्दी के कोड, शताब्दी का 3 शेष है, तो कोड क्या है, तो कोड है मेरे भाई 0+47 को भाग दिया, भागफल लिखना है 11 चौके 44, और पूरे को 7 से भाग देना है, पूरे को 7 से भाग तो देंगे 15+47 62, और 3 65, और 11 76, अब 76 को 7 से भाग देंगे तो 10 70, 76 दिन में 10 हफ्ते और शेष क्या बचा 26 का, मतलब 10 हफ्ते तो पूरे हो गए थे, 10 हफ्ते के तो गोली मारो ए लो भाई, और 6 दिन है, 11वां हफ्ता शुरू हो रहा है, तो छठा दिन कौन होगा, छठा दिन होगा मेरे भाई शुक्रवार। किस तरह पहला दिन जे अरे शेष 1 बच जाता तो पहला दिन 1 बजते ही संडे, फिर 2 बज जाता मंडे, 3 बजता ट्यूजडे, इस प्रकार तो एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार छठा दिन है, तो क्या आ गया भाई इस सवाल का आंसर शुक्रवार, भारत याद रखना शुक्रवार को आजाद हुआ था। सैटरडे गलत है मेरे भाई, सैटरडे नहीं आएगा, शुक्रवार आएगा, सैटरडे गलत है, जिसका भी सैटरडे आया है शुक्रवार आंसर आएगा। चलिए हाँ शुक्रवार, बहुत कंफ्यूज हो गए सर इतनी फास्ट बता दिया, कोई बात नहीं बहुत आराम से बता देंगे मेरे भाई। चलिए अभी देखिए ये लीजिए, ओके सर फ्राइडे, फिर से बताओ सर सलो, चलिए मैं दोबारा से बहुत स्लो बता रहा हूँ मेरे भाई, दोबारा से समझिए, आप एक पेन और कॉपी ले लें अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करवाऊंगा, देखिए दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं इसी बात को, चलिए दोबारा से इसी बात को फिर बता रहा हूँ, बहुत से स्लो बताऊंगा आपकी बार, 15 अगस्त 1947
1947। कुछ नहीं करना, पांच चीजों का प्रयोग करना है, तारीख, महीना, शताब्दी, साल, साल का प्रयोग दो बार। इतनी बात मेरे ख्याल से प्रयोग पता चल गई होगी। कॉपी में नोट कर लेंगे दिन निकालने की विधि या तरीका, कॉपी में नोट कर लो। एक बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी दो से तीन सवालों में, चौथा पांचवा सवाल अपने आप चुटकियों में हल हो जाएगा, थोड़ी सी कठिनाई आएगी फिर कठिनाई महसूस नहीं होगी। वो सारी बात है, वो एक चुटकला याद आ गया। एक बार के था, एक लेडीज बहुत दुखी हो रही थी भाई, लेडीज दुखी हो रही थी, तो बाबा ना दिखाण बिक जे है, नूलिया बाबा जी देखियो हाथ, बाबा जी ने भी हाथ देखा, उसकी हालात देखी, हाथ देख कर बोले ओहो बाबा भी चोर भी हो गया, बोले बच्चा तेरी जिंदगी में तो 12 साल दुखे दुख हैं। बाबा भी उदास सा हो गया, वह बेचारी उदास थी, जिंदगी में दुखे दुख काट के अपने उड़ाई थी, बोले बाबा जी, बाबा बच्चा बोले तेरे तो 12 साल जिंदगी में दुखे दुख हैं। वह बोली बाबा जी फिर के था, फिर तो डाला पड़ जाएगा, तो वह बात है फिर तो डाला पड़ जाएगा, पहले दो तीन सवाल मुश्किल लागेंगे, फिर मुश्किल कौन लागे, फिर तो अपने आप हमने डाला पड़ जाएगा, उस वाली बात है 12 साल से दुख काट लेगी फिर दुख कौन लागे, फिर तो अपने आप उसने डाला पड़ जाएगा। बाबा ने तो 12 साल का तो नाम लिया था, बोले 12 साल तो दुखे दुख हैं, फिर के पूछना था फिर तो मुझे डाला पड़ लेगा। चलो ई बापे बात करांगे, 15 अगस्त 1947 दोबारा बताऊं, पांच चीजें कॉपी में लिख लो, दिन निकालने की विधि या तरीका एक एक करके सभी नोट कर लो। सबसे पहले पॉइंट नंबर एक पहले समझोगे और फिर साथ में कॉपी में उतार लेना। देखो क्या है, पॉइंट नंबर एक कॉपी में नोट कर लो, पहला व आखिरी प्रयोग करेंगे, नंबर एक पे डाल लो पहली व आखिरी। अब साथ में ये भी लिख लेना पहली व आखिरी है क्या, पहली तारीख और लास्ट वाली साल, तो लिख लो पहली व आखिरी, ब्रैकेट में लिखो तारीख कोमा साल का सेम एज इट इज प्रयोग करेंगे हर बार। तो ये लो मैंने प्रयोग कर दिया 15 + 47, इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर एक डाल लेना, पहला व आखिरी का प्रयोग करेंगे। सर के लिए फन का इंतजाम करो शाम, ओके सर। चलिए तो पहले वह आखिरी का प्रयोग करेंगे, 15 + 47 हमने एज इट इज लिख दिया। अब पॉइंट नंबर दो डाल लो, देखो पॉइंट नंबर दो में पहले समझना बाद में लिखना क्या लिखेंगे, तीन चीज बच रही है भाई अपने दौरे, पहली आखिरी का प्रयोग कर लिया, महीना, शताब्दी, साल, लगातार तीन बच रही, क्योंकि पहली आखिरी तो जो की तो हर बार निपटानी है, आंख बंद करी पहली आखिरी लिख दी, लगातार तीन चीज बचेंगी, महीना, शताब्दी, साल। इब नंबर दो पे लिख दो महीने का कोड प्रयोग करेंगे, पॉइंट नंबर दो लिख दो महीने का कोड प्रयोग करेंगे। सर वॉइस सही नहीं आ रही, प्रॉब्लम एक बार बताना भाई, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, वॉइस क्यों नहीं सही आ रही, एक बार जल्दी बताओ, वॉइस की कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या, एक बार जल्दी बताइयो। ओके है वॉइस, चलिए बहुत बढ़िया, विक्रम ने बताया वॉइस ओके है, भाई तेरे कान चेक करा ले, जिसका दिक्कत थी जी वॉइस ठीक नहीं आ रही, थोड़ा ठीक करवा लो, मशीन लुवा लो काना में। देखो तो पहली आखिरी का प्रयोग करांगे, 15 + 47, लास्ट की तीन चीज बच रही है, आठवां महीना का पे कोड देखांगे, आठवां महीना कोड देखो भाई के है तीन, तो उरे लिख दिया तीन, आठवां महीना उरे काट दिया, तो पॉइंट नंबर दो सबने डाल दिया होगा, महीने का कोड प्रयोग करेंगे, कोड आपने प्रयोग कर लिया। ई बापे देखांगे लास्ट की दो चीज बच गई मेरे भाई, दनु चार तय भाग देनी है, दोनों चार तय भाग, अगली का तो शेष फल लिखना है और पछली का भाग फल, हर बार दोनों चार तय भाग, अगली का शेष फल और पछली का भाग फल लिखना है। इब इसका शेष फल लिखांगे, चार चौके 16, शेष बचा तीन, तो शताब्दी थी या शेष तीन बचा, तो मेरे भाई कोड के लेवांगे, कोड लेवांगे जीरो, यो देखो शताब्दी के कोड लिख रखे, तीन शेष बचेगा तो कोड के लेवांगे आप जीरो लेवांगे। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल दीजिए, तीसरा पॉइंट था यो, शताब्दी ने चार तय भाग देवांगे, शताब्दी को चार से भाग, तथा जो शेष बचेगा, देख लो तीन बचा था, उसका कोड प्रयोग करांगे, यू कोड प्रयोग कर लिया जीरो। इब नंबर चौथा पॉइंट लिख दो, या साल है 47 की, इसने भी चार तय भाग देवांगे और इसका भागफल लिखांगे, इसका शेष फल, इसका भागफल, तो 11 + 44 शेष फल कितना है बचो, तो लिख दियो साल को चार से भाग देंगे तथा भागफल
भागफल प्रयोग करेंगे। तो देखिए 11 चौके 44 भागफल ले लिया। इब मेरे भाई पांचों चीज प्रयोग कर लिए, पांचवा पॉइंट डाल दो, उपरोक्त सभी चीजों को 7 से भाग देंगे। उपरोक्त सभी चीजों को 7 से भाग देंगे। 7 तो वाक्यांत देवांगे मेरे भाई, क्योंकि हफ्ता में भी दिन 7, महीना में भी दिन 7, साल में भी दिन 7। इब कई तो कहेंगे ना जी साल में 365 366, मेरे भाई वह दिनों की संख्या है 365, दिन तो 7 हैं, आठवा दिन कोई बने को नहीं, एतवार सोमवार मंगलवार दिन तो वही घुमा फिर आके 7 आने लग रहे हैं। ईब तक आज तक तो को वैज्ञानिक ने आठवा दिन खोजा को नहीं, तो इसलिए भाग कहते दे वहां पे 7 तय भाग दे वहां। चलिए तो देखांगे बापे बात करांगे, 7 तय भाग देवांगे तो इसने सारा जोड़ांगे, 15 47 62 63 65 65 और 0 का 0 कुछ भी जोड़ लो, 65 और 11 76, 7 तय दे दिया भाई भाग, 76 को 7 तय भाग दिया, 10 7 70, 10 तो 7 तय भाग दे हफ्ते आगे पूरे पूरे घुमा फिर आगे वही दिन आगे, और 11वां हफ्ता था कहने का मतलब 10 हफ्ते कट गए, 6 शेष बच गया, तो हफ्ता का 6ता दिन था, और दिन के होगा मेरे भाई देखो जे शेष बचता है एक तो पहला दिन के ओवर संडे ओवर, यो कोड अपन जो बनाया है, एक बात और बता दूं मैं, कई किताबों में यो कोड को नहीं पावे, कई किताबों मेरे भाई अलग कोड पाओगा और उस कोड के शब्द दिन सोमवार पाओगा, ये पहला याद रखियो, कई किताबों में अलग कोड पाओगा और उस कोड में यू दिन को लेना और इस कोड में तुमने सोमवार को लेना। कई बालक गलती करते हैं पहला दिन सोमवार ले जाए, जो कोड मैंने बताया है इसमें पहला दिन तुमने संडे लेना, कोड में पहला दिन संडे क्या था है? छोटा बालक तभी आप पूछेंगे नहीं, आप कहेंगे बेटा संडे मंडे आवे हैं, आगे नू कहेंगे भाई मंडे ट्यूजडे आवे हैं, संडे मंडे पूछेंगे, बालक भी सुनाना करते शुरू करेगा, संडे मंडे ट्यूजडे एतवार तक सुनाना शुरू करेगा। तो पहला दिन एतवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा वीरवार, छठा शुक्रवार, तो छठा दिन बताना था, छठा दिन कौन हो जाएगा? शुक्रवार। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई? शुक्रवार आ जाएगा। एक बार जल्दी कमेंट करके बता दो यह बात समझ में आएगी के, 3-4 सवाल बोलूंगा सारे नुए जुड़े रहियो, पांचवा सवाल में एक देसी दवाई दूंगा जिसका कांसेप्ट समझ में आ गया, फिर देसी दवाई सी दूंगा डायरेक्ट उत्तर, इतना टाइम भी को लावा 2 सेकंड में उत्तर कुकर काटांगे, बस बने रहियो और पेन और कॉपी हाथ में रखियो, पांचवा सवाल अपने आप आ जाएगा। 3 और बोलूंगा, एक बार थोड़ी सी कठिनाई होगी, वही बाबा वाली बात याद रखियो, 12-1 साल का उस लुगाई ने दुख था, फिर तो आप पे डाला पड़ जाएगा, तो 3-4 सवाल ला मुश्किल आओगी फिर डाला पड़ जाएगा, आदत पड़ जाएगी फिर मुश्किल कौन लग गया। तो यू कन एक बार स्क्रीन शॉट ले लो सारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब मैं अगला सवाल लिखूं मेरे भाई, और उड़ते ही भी हैं, चलो यहाँ अगला सवाल मैं उठाऊंगा, इबे तो तुम्हें देख लियो, मेरी ख्याल तक कोड याद हो गए होंगे, एक बार फिर रिपीट करूं, 12 बिन्ने 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 025, 6 का स्केयर 036, 144 में 2 जोड़ा 140, शताब्दी के 0 1 2 3 0 2 4 6, 2 बार 4 बार दोहराओगे याद हो जाएंगे। चलिए मैं लिखूं हूं, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, जल्दी से निकाल के कमेंट करके बताएंगे, 26 जनवरी 1950 को जल्दी कमेंट करके बताएंगे। चलिए अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, एक कमेंट आ चुका है रोहित कुमार मंडे सर, चलिए रोहित सबसे फास्ट है, मंडे सर कमेंट आने लगे हैं, चलिए अब चेक कर लेते हैं मंडे आएगा क्या, देखें फिर देखें वही तरीका रहेगा, 5 चीजें प्रयोग में लेवांगे भाई, जिसका नहीं समझ में आया था फिर दोबारा देख लो, एक बार में नहीं आओ कोई बात कौन, दोबारा नहीं आओ कोई बात कौन, तीसरा सवाल में अपने आप समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 5 चीजा प्रयोग करांगे, तारीख महीना शताब्दी साल, साल का प्रयोग 2 बार करांगे, इसलिए ऊपर नीचे अपन लाइन लगा दी। ई बापे बात करांगे, पहली आखिरी आंख बंद करके प्रयोग कर लो, उठते कैट दी नुवेरा पड़ जाए, डनवा का प्रयोग अपन कर लिया, 26 प्लस 50 तो जो के तो अपन लिख दिए, उठतक बात समझ में आ गई तो एक बार कॉमेंट करके यस लिख दो फटाफट, इतनी बात समझ में आ गई हो तो, पहली व आखिरी का प्रयोग करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दो, आगे सर
चलिए आगे सर, चलिए पहली और आखिरी का प्रयोग कर लिया, 26 प्लस 50 लगातार जानते, देखो ये तीन चीज बचनी है, एक दो और तीन, क्योंकि या तो दो पर लेनी थी और पहली आखिरी अपन ले ली, तो एक दो तीन लगातार तीन बचनी, कुछ नहीं करना। पहला महीना कोड के भाई, पहला महीना कोड है एक, यो लो एक ले लिया प्लस दनु, लास्ट वाली बचगी चार तबाग देनी मेरे भाई, दोनों लास्ट वाली चार तय भाग देनी है। अगली का तो शेष फल लिखना है और पछली का भाग फल, अगली का शेष पछली का भाग, चार चौके 16 शेष बचा तीन, तो शताब्दी थी, तीन थी तो कोड के हर है जीरो, प्लस पछली का लिखना है भाग फल शेष का बचो, तो भागफल कितना 12, चार पर काटांगे तो 12 चौके 48 लिख दिया 12, पूरा कहते भाग रहा है, सात भाग करांगे और सात भाग करोगे तो देखो फिर 26 50 76 177 77 और 12 कितना हो गया भाई 89, सात में कहते 12 7 84 बचा शेष 5, अब चाहे तो मारो गोली, गोली मरनी किसे नहीं सीख रखी हो, पिछली वीडियो देख लियो, कैलेंडर का पार्ट 1 देख लियो, उसमें स्पेशल गोली बंदूक की ट्रेनिंग दी थी, गोली मरनी सिखाई थी, गोली कुकर मारांगे, अब चाहे गोली किस तरह मारी जावे है वह ट्रेनिंग दी थी, निशाना कुकर बांधांगे, तो 12 कह तो मारी गोली, अब 5 बचा तो 5वा दिन कौन हो भाई, वीरवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो 5वा दिन क्या गया वीरवार, जिसका भी वीरवार उत्तर है उसका ठीक है, बाकी सबका गलत है। चलिए अगला प्रश्न लिख रहे हैं, एक बार जल्दी कमेंट कर दो, समझ में आ गया के, जल्दी कमेंट कर दो, 5 बच गए जी, हाँ 5 बचे भाई, थर्सडे आ गया जी, थर्सडे आ गया जी, स्वाद आ गया जी, बस स्वाद आना चाहिए भाई, स्वाद आना चाहिए, आ गया जी, आ गया जी, के आ गया विक्रम, क्या आ गया जी, के आया भाई, एक ने तो स्वाद आया है, एक प्रश्न समझ में आया है, हैं आना चाहिए, आ गया सर जी, आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आ गया जी, थर्सडे मेरा सही है सर, चलिए महीने के कोड बता दो सर, भाई महीना के कोड बताए थे, कड़ा जह रहा था तू भाई, जब महीना के कोड बताए, ये महीना के बाबू को नहीं, देख यू लिख रखा महीना कोड, और यहाँ के मैंने उसकी दादी के कोड लिखे, महीना के दादी लिख दियो, महीना दादी बुलाइए, वो काम को नहीं, भाई मिंडक के बोला मिंडक के प्रकार बताओ, बोला जी वो एक मिंडक के बोला चार प्रकार, एक मिंडक का बाबू, एक मिंडक की माँ, एक मिंडक की दादी, एक मिंडक की बहू, ना ये महीना के कोड लिख रखे मेरे भाई, स्क्रीन शॉट ले लियो, ये याद कर लियो, और ये नू ना सोचियो, ये महीने की दादी आ गई, चलो ई बाबे बात करांगे भाई। देखो अगला सवाल लिखू हूं मैं, नेक्स्ट सवाल, अब किसी भाई को अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछनी हो तो कमेंट कर दो भाई, किसी भाई को अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन पूछना हो तो कमेंट कर सका है, किसी भाई को नू पूछना हो, मेरे पे पूछा पड़वानी हो कि किस दिन जब में थे तमें, तो डेट ऑफ बर्थ की जल्दी से कमेंट कर दो, किसी ने पूछा पढ़वानी हो तो कमेंट कर सका फटाफट, एक का कमेंट आया 10 10 1995 कौन है, विक्की सर रावत ने कमेंट कराया भाई 10 10 1995 बताओ भाई 10 10 1995 में विक्की सर रावत कहाँ पैदा हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताओ 10 10 1995 विक्की सर रावत कहाँ पैदा हुआ था, जल्दी कमेंट कर दो 10 10 1995 विक्की सरावत कहां पैदा हुआ था, फटाफट कमेंट कर दो। नरनोल में जी भाई मारा शब्द तो आंकड़े दूर आओगा, मामने के बरा नरनोल में जाए, मैं अस्पताल में जाए, मैं घर जाए, मैं घर दाई आई थी अग बिना दाई जाए गया अपन के बरा भाई, तो इस सवाल का उत्तर सारे विद्यार्थियों ने बताऊं आंकड़े दूर आ जाएगा भाई, इस सवाल का उत्तर आंकड़े दूर है, हाँ इस प्रश्न से मैं कह दू किस दिन जैम्या, मैंने प्रश्न करा था कहाँ जैम्या, कहाँ जैम्या तो आंकड़े दूर अपन के बरा भाई कड़ा जैम्या है, किस दिन जैम्या ये उत्तर काटांगे, किस दिन जैम्या, चलो ट्यूजडे जी ट्यूजडे, चलो देखांगे भाई की आऊगा। पांच चीज प्रयोग में लेवांगे, तारीख महीना शताब्दी साल, साल का प्रयोग मेरे भाई दो बार करांगे, चलो पहली राखरी लिखूं रहे सारे ध्यान रखियो 10 जमा 95 लो भाई 10 जमा 95 कुछ नहीं करना, तीन चार सवाल समझोगे चुटकिया में आप पहले होंगे, बस साथ में जुड़े रहियो ध्यान से देखते रहियो अपने आप सवाल समझ में आ जाएंगे। पहली राखरी हर बार प्रयोग करनी 10 जमा 95 ले लिया और अड़ तक कैट दिया लगातार तीन बच भी रहे महीना शताब्दी साल 10वा महीना है और 12 महीने थे 10वा महीना कोड के वगैरह है एक यो देख लो ये महीना कोड है 10वा महीना कोड है एक प्लस दोनों किस तरह भाग रहे हैं चार तरह भाग करांगे इसका तो शेष फल इसका
इसका भागफल कुछ नहीं करना, थोड़े थोड़े अपने आप समझ में आ जाएगी। चार चौके 16 शेष बचा 3 और शताब्दी थी रहे 3 शेष बचा तो कोड़ के लेवा 0 लेवांगे। प्लस इसका अपने भागफल लेना है, क्या बचा लिया 23 चौके 92 शेष का है बचो अपने कोई मतलब को नहीं। 23 तय और पूरा ने कहता भाग 7 तय भाग कर देंगे 10 और 95 105 और 1 106 और 23 129 हो गया। और 129 ने काटांगे तो मेरी ख्याल से 18 7 126 होता होगा, जब तक मन पहाड़े आवे हैं 18 7 126 शेष बच गया 3। 18 तो हफ्ते थे नहीं, तो कई मारा रहा है गोली मार दी हो, हफ्ते दिखते हैं गोली मारनी। कैलेंडर का चैप्टर में पछला चैप्टर में कैलेंडर का वॉल्यूम नंबर 1 में बात सिखाई थी। और तीसरा दिन फैला लो फिर संडे मंडे ट्यूजडे एतवार सोमवार मंगलवार, ट्यूजडे उत्तर आ गया भाई मंगलवार उत्तर आ गया। चलो मंगलवार ने जमे थे विक्की से रावत भाई ना न्यू हॉस्पिटल में हुआ था, अच्छा हॉस्पिटल में होया था रही भाई रही बता दिया इसने, हॉस्पिटल में पैदा होया था। और जमा बाबा हनुमान का दिन जमे था, प्रसाद बैंड दिए भाई बाबा हनुमान का दिन जमे था, मंगलवार का दिन पड़ा था भाई। चलो और फटाफट कमेंट कर दो, किसी की डेट ऑफ बर्थ बतानी हो तो भाई जल्दी कमेंट कर दो, किसी की डेट ऑफ बर्थ बतानी हो तो पूछा पढ़ने लग रहे हैं जहाँ पे, किसी की डेट ऑफ बर्थ बतानी हो तो कमेंट कर दो फटाफट। 15 8 1992 सुनील यादव ने कही जी 15 8 1992 सुनील यादव 10 का नोट तो गुंद रहा भाई, पूछा पड़वान तो लग गया 10 का नोट तो दर्दे, पूछा ले तो पहला 10 का दरुआ आ रहे हैं फिर पूछा पड़े कर रहे, मेरे पे दम भरी पूछा पड़वान लग रहे हो, यह गलत बात है भाई तारी। 10 का नोट लिया तोड़े है, 10 का नोट लिया और 10 का नोट धरो फिर पूछा पाड़ूंगा भाई। चलो बात करांगे 15 8 1992 देखो भाई पांच चीज, तारीख महीना शताब्दी साल, साल का प्रयोग कै बार है, साल का दो बार प्रयोग करांगे। पहली राखरी जो की तो काटू हूं 15 जमा 92 लिख दिया नुक्का नु, आठवां भी ना कोड तोले देखियो 3 और 3 6 2 8 आठवां भी ना कोड 3 प्लस लास्ट वाली दिन कुछ नहीं करना, 4 तक भाग है भाई 4 चौके 16 शेष बचा 3 तो कोड के रहा 0 और उर्ली का भागफल इसका शेषफल इसका भागफल दनु 4 तक भाग थी 23 चौके 92 और कहते भाग रहा है 7 दे दो फिर केडी है 15 प्लस 92 कितना हो गया 107 107 और 3 110 110 और 23 133 और 7 पे कट गया होगा 19 7 133 19 7 133 शेष के बचा रहा 0 0 का मतलब हफ्ता का दिन बचा है कोनी, और बचा है कोनी का मतलब जे पहला दिन संडे था तो खत्म कर दो यार है, इसका मतलब पूरे पूरे 19 हफ्ते थे खत्म हो गया भाई शनिवार पे, तो आंसर आ गया शनिवार। काले कुत्ते नाल हुआ गेड़ दिए भाई, किसका डेट ऑफ बर्थ थिया शनिवार ने जमा था, जमा कुत्तिया दिन जमे है यू भी आलुआ गेड़ दिए भाई काले कुत्तिया ने कदे तेरे पे शनि चढ़ जाए। हाँ सत्तर डे हाँ 133 का गोली मारनी है, शेष 0 बच गया, उत्तर 70 डे आ जाएगा, लेकिन हलवा जरूर गेड़ दिया पहले बताऊं भाई, निकाले कुत्ते शेष जा करें शनि चढ़ जा करें खाम खाई कोई फायदा नहीं। चलो और डेट ऑफ बर्थ जल्दी कमेंट कर दो, किसी की डेट ऑफ बर्थ भाई किसी की डेट ऑफ बर्थ बतानी 20/11/1996 जी वीरू शोकंद की बतानी भाई 20/11/1996 बताइए भाई ने 20/11/1996। चलो देखो भाई 20/11/1996 किस तरह पता करांगे 1 2 3 4 5 पांच चीज प्रयोग में लेवांगे। पहली राखरी एक बंद करके कैट दियो गणा नहीं जे दो बात तो सीख गयोगे, पहली राखरी 20/11/1996 कुछ नहीं करना, लगातार 3 बतरी है महीना शताब्दी साल कि मैं करना है तो को नहीं, 11वां महीना है फिर कोड देखियो 11वां महीना का कितना है 4 कोड है 4 लिख दिया, लास्ट वाली दिन कहते भाग रहा है 4 भाग देनी है, इसका शेषफल और इसका भागफल लिखना है, 4 चौके 16 शेष बचा 3 तो कोड रहा 0 और इसका के लिखेंगे भागफल 24 चौके 96 ए ले और पूरा रहा 7 तय भाग देवांगे 20 जमा 96 116 और 4 120 120 और 24 144 और 7 तय कटिया 20 7 144 शेष क्या बचा रहा 4 और चौथा दिन के रहा बुधवार। बहुत बढ़िया कमेंट वेडनेसडे जी, तो वेडनेसडे उत्तर आ जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एतवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो आंसर आ गया बुधवार ने जमा था भाई।
चलो और जल्दी से कमेंट करके बता दो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ बतानी। लास्ट सवाल बोलूंगा, सारे जानते देखते रहो, फिर एक देसी दुआई देऊंगा। लास्ट सवाल बोलूंगा, जल्दी तामे बता दो किसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी लास्ट, फिर देसी दुआई देवांगे। जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ बतानी फटाफट से कमेंट कर दो, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ बतानी है 5 सितंबर 1993 रोहित कुमार की बतानी भाई। 5 सितंबर, सितंबर को सा भी ना हो रहा है, नौमा होता होगा, 5/9/1900 के लिखा था, 93 था के 5/9/1993 रोहित कुमार ने लिखा भाई, 5/9/1993 बताना। चलो देखा भाई, जल्दी देख लो, सारे ध्यान दियो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच चीज प्रयोग लेनी है, तारीख भी ना शताब्दी, साल साल का प्रयोग कै बार रहे, दो बार, पहली रख रही है, एक बंद करके न्यूके नु लिख दियो, 5 जमा 93 प्लस कुछ नहीं करना, तीन चीज बची है, के रह, महीना शताब्दी साल, महीना नौमा उत्ते काटो, नौमा भी ना कोड रहे, 3 3 6 3 9 6 कोड है, लिख दिया, प्लस लास्ट वाली दनो कुछ नहीं करना, 4 तय भाग, अगली का तो शेष फल, और पछली का भाग फल रहे, 4 चौके 16 शेष बचा, 3 तो कोड के लेवांगे, 0 लेवांगे, और प्लस इसको भाग देवांगे, 23 चौके 92 भाग फल लिखना था, शेष का है बचो, 23 सर पूरा ने 7 तय भाग दे दियो, 5 और 93 98 98 6 104 123 का हो गया रहे, 127 हो गया, और 7 तय भाग दे जाएंगे, और 7 तय भाग दोगे तो कितने पर गया भाई, 18 7 126 होता होगा, 18 7 126 शेष बचा 1, और 1 बचा तो पहला दिन संडे जमा छुट्टी वाला दिन जमया था, तू भी छुट्टी वाला दिन जमया था रे रोहित कुमार भाई, संडे ने जमया था, हॉलीडे पड़ा था भाई, एतवार ने जमया था, याद रखियो, ले भाई ईव सारे जानते सुन लो, एक बार जल्दी कमेंट कर दो, दिन निकालना एक बार सीख गए के, जल्दी कमेंट कर दो, दिन निकालना सीख गए के, जब दिन निकालना सीख गए होगे फिर और जल्दी दिन निकालना कुकर सीखा वह बात बताऊंगा, जल्दी कमेंट कर दो, दिन निकालना सब सारे सीख गए के, जल्दी तय कमेंट करके बता दो, सीख गए सर, हाँ सर, ईव देसी दुआई दे दो, देसी देऊंगा भाई, यस सर सीख गए, सीख गए, यस सर जी, चलिए बहुत बढ़िया, सीख गए तो मेरे भाई ईव सीधी सीधी देसी दुआई ले लो, देखो के है, आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ईव आपन है डायरेक्ट आंसर निकालने हैं, डायरेक्ट आंसर किस तरह निकालेंगे वह चीज देखेंगे, एक तो मैं कोड भी मिटाऊ, ईव कोड बार बार कौन देखने, ईव कई तो कोड उड़े देख देख के उत्तर काटने, ईव कोड याद हो जाने चाहिए थे, 140 025 036 140 01 23 02 4 6 कोड आसानी से याद हो जाने चाहिए, ईव देखो भाई के देसी दुआई है, कि मैं भी डेट ऑफ बर्थ बोल दो भाई, ईव कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोल दो फटाफट से, कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोल दो, जल्दी से कोई डेट ऑफ बर्थ बोल दो भाई, जल्दी लिख दो, 23 अप्रैल 1999 चलिए 23 अप्रैल 1999 भाई, 23 अप्रैल 1999 देखा भाई, 1 2 3 4 5 एक बार तो सेम उसे टाइप का सवाल सिखाऊंगा जो सिखाया था, फिर इस सवाल में देसी दुआई आपने बात करांगे, देखो भाई पांच चीज प्रयोग करांगे, पहली राखरी लिखूं 23 जमा 99 जो कि तो आपने लिख दी, प्लस लगातार तीन चीज बची हैं, महीना शताब्दी साल, चौथा बिना कोड 144 025 तो चौथा बिना कोड रहे 0, और लास्ट वाली दनु कहते रहे 4 तय भाग, इसका शेष फल का भाग फल, 4 चौके 16 शेष बचा 3 तो कोड रहे 0, करते ले आए जी 0, ओड़े से ले आया हूं 0 1 2 3 और 0 2 4 6 और 4 तय भाग, इसका भाग फल 24 चौके 96 और कहते भाग 7 तय भाग देवांगे, दे दो फिर 23 जमा 99 122 और 24 कितना हो गया रहे 122 और 24 140 और 7 तय दे देंगे भाग, 7 तय भाग दे
करोगे 20 × 140 शेष बचा 6 और छठा दिन कौन है रे, छठा दिन शुक्रवार है। तो यो तो आ गया उत्तर शुक्रवार। सैटरडे, सैटरडे गलत है भाई, सैटरडे नहीं आएगा, शुक्रवार जोड़ देख लेना भाई, 2399 आपने जोड़ गलत कर दिया होगा इसलिए सैटरडे निकाल दिया। कई सैटरडे कह रहे हैं, चलिए 2-3 के कमेंट है, सैटरडे जोड़ दोबारा देखो भाई, 2399 122 122 और 24 कितना हो गया 146। तो मेरे भाई 146, 2399 122 122 और 24 146, तो शेष भाई 6 बचेगा, शेष 6 बचेगा, 20 × 140 144 के गोली को नहीं मारनी, रिंकू पर मार करे 144 ना भाई, 140 का मारनी है, 7 × 140 कटेगा, 4 बच गया जी, 4 कैसे बच गया भाई मेरे भाई, 4 कैसे बचेगा, फिर देखो पहली राखरी 23 × 99 लिख दिया, चौथा भी ना कोड 144 025, तो चौथा भी ना कोड 0 है, और 4 × 16 शेष 3 बचा 0 1 2 3, तो 0 लेवांगे, और 24 × 96 लेवांगे मेरे भाई, गलती कहां हो रही तुम्हारी, देख लो सैटरडे आएगा सर, भाई सैटरडे नहीं आएगा, सैटरडे गलत है, जिसका भी सैटरडे आया उनका गलत है, फ्राइडे आएगा, फ्राइडे आएगा, 23 × 99 122 122 और 24 146 हो जाएगा, और 146 सात में काटोगे 20 × 140 शेष बचा 6, छठा दिन शुक्रवार, ई बाबे सवाल न्यू वाले को नहीं करा, चलो अनु ते आले मतलब ते के बीच में मींस क्या कह रहे हैं भाई, कमेंट में समझ में नहीं आए क्या कह रहे हैं, यू आर राइट सर, थैंक्स विक्रम सर, मेरी बात मेरी बता दो जी, सौम्या शर्मा कह रहे हैं मेरी बता दो, सौम्या शर्मा तुम्हारी भी बताएंगे भाई, एक मिनट रुक जाइए, एक बार बता दो, यह बात समझ में आ गई के सह रंग है, छठा दिन शुक्रवार मेरे भाई, उत्तर शुक्रवार आओगा, एक बार यह बात समझ में आ गई के, दवाई दे दो, देऊंगा भाई दवाई भी, एक बार या तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बता दो, राम राम सर जी, यस सर, एक बार जल्दी बता दो, या समझ में आएगी दवाई उरे बनाऊंगा तार खतर, या समझ में आई होगी तो ये दवाई काम करेगी, नहीं दवाई काम को नहीं करे, जल्दी बताओ या समझ में आ गई के, यस सर, चलो ले दवाई ले लो, कल मैंने पार्ट वन कराया था कैलेंडर का, उसमें एक बात सिखाई थी, अब तादे फालतू दिख दे के मारनी है रहे, जो तोड़े बताइयो अब तादे फालतू के मारनी रहे, फटाफट एक कमेंट करके बताइयो अब तादे फालतू का के मारनी, तुमने अब ता दिख दे, 7 दिन दिख दे, या 7 ते फालतू के मारनी है रहे, तोड़े बताइयो कमेंट करके अब ता के मारनी है, गोली जी गोली जी गोली, हाँ फिर मारो गोली, यही तो देसी दवाई है, कैलेंडर में गोलियां मारनी सिखाई अपने, 23 दिन मेरे भाई ले हो ना, क्या तो नहीं ले हो, जोड़ोगे इतना बड़ा, कड़ियां कड़ियां ऐसा भूल जाओ, सवाल देख लो, जदे तो गलत हो रहा था तेरा, शनिवार कह रहे थे एक आदन, तो जोड़ 144 कह रहे थे मेरे भाई, जोड़ 146 आओगे, केक जोड़ना है कुछ अपने, जोड़ोगे कड़ियां कड़ियां ऐसा भूल जाओगे, और ऐसा भूल गए सांस भूल जाओगे, सांस भूल गए पेपर में नंबर भूल जाओगे, और नंबर भूल गए खेल सारा पेपर में नंबर का मेरे भाई, यही नंबर पक्के करना है, हां जा पे नंबर ओड़े भूलना को नहीं, नंबर छूटना को नहीं, पुत्र गलत कह दिया और 144 और ओड़े शनिवार का लाया और गलत हो जे, तो अपन ने पहले ही गोली मारनी है, अपन इतना जोड़ना है को नहीं, 23 का गोली मारूं मैं, 23 में तो क्या क्या गोली मारा रहा है, 7 × 21 21 आदमी ने उड़ा दो, क्योंकि 21 में के हो गया रहा 3 हफ्ते मात्र के ले लिया, 2 सिर्फ 2 ले लियो, जोड़ियो ना 99 ले हो ना 14 × 7 98 14 तो इसमें हफ्ते हैं, हफ्ते बाद तो वहीं घूमे फिर के आना है, जिसके हफ्ते वाली बात समझ में आ रही हो कमेंट नंबर वो हमारी जो इससे पिछली वीडियो पहली वीडियो वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 14 × 7 98 के मार दी गोली के ले लो रहे 1, और 24 के गोली मारो किसके 24 में है 7 × 21 21 ने तो उड़ा दो के ले लो रहे 3, और इतनी तो जोड़ लोगे 2 × 1 3 3 × 3 6, छठा दिन के रहा है शुक्रवार, तो सीधी गोली मारनी है या अपनी देसी दवाई है, और कड़िया भी सवाल में भाग गए थे, जोड़ नहीं करेगा कोई भी, सीधा 2 सेकंड में तो उत्तर आना चाहिए, कड़िया भी को जोड़ नहीं करेगा, एक बार जल्दी कमेंट करके बता दें गोली मारनी सीख गए, जल्दी कमेंट करके बता दो गोली मारनी सीख गए, हाँ सर सीख गए, जल्दी कमेंट कर दो, यह बात समझ में आएगी कि जोड़ना को नहीं, अगले सवाल नू करने हैं, सीख गए सर सीख गए, चलो बहुत बढ़िया सीख गए, तो फटाफट किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछनी है तो जल्दी बोलो भाई, नहीं तो मैं सवाल बोलू हूं, सवाल है भारत में, चलो मैं बोल रहा हूं मेरी तरफ से, डेट ऑफ बर्थ छोड़ दो, भारत में स्वतंत्रता
1857 लिखो, भारत में 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई, भारत में 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई थी, भारत में 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई, जल्दी कमेंट कर दो, भारत में 1857 की क्रांति किस दिन शुरू हुई, 1857 की क्रांति। किसी ने बेरा है तो फटाफट से निकाल के दिखाओ भाई, भारत में 1857 की क्रांति, भारत में 1800 जल्दी निकालो भाई, 1857 की क्रांति। डेट तो बताओ सर, मेरे भाई पेपर में न्यू आया होगा, डेट मैं कौन बताऊं, क्योंकि वो कह रहे हैं एक पंथ दो काज, इस प्रश्न कॉपी में नोट कर लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डेट याद कोनी जी, डेट याद रखो भाई, क्योंकि इस प्रश्न में एक पंथ दो काज गलत जीके का प्रश्न है, जीके का ज्ञान होगा, रीजनिंग का ज्ञान होगा उसका तो ठीक हो जाएगा, और जिसने जीके रीजनिंग का ज्ञान नहीं होगा सवाल गलत हो जाएगा। एक ने कहा जी मंडे, एक ने कहा जी संडे, दोनों चीज तो हमने बेरा होनी चाहिए, जीके का भी प्रश्न है यू, अरे यो रीजनिंग का प्रश्न है, यू पेपर में बहुत बार आ लिया, प्रीवियस पेपर में यू प्रश्न आ लिया। रोहित कुमार ने कहा 10 मई 1857, वेरी गुड, बिल्कुल सही है रोहित कुमार, भारत में 1800, चलो समझ लो भाई, पूरे यू प्रश्न पूछने का उसका मेन उद्देश्य है एक प्रश्न में दो प्रश्न की जांच करनी थी, भारत में 1857 की क्रांति 10 मई शुरू हुई थी, और इबनू देखांगे 10 मई 1857 में के दिन पड़ा था, देखा भाई। दोनों तरीकों से बताऊंगा, वो भी देसी दवाई वाला भी, 1 2 3 4 5 पहली आखिरी लिख दिया रहा है, 10 जमा 57 लिख दी भाई, प्लस पांचवा भी ना कोड, 144025 तो कोड के रहा है 2, प्लस लास्ट वाली दोनों किस तरह है 4 तभाग, इसका शेष फल इसका भाग फल 4 चौके 16 शेष बचा 2 तो कोड भी 2, क्या तरह है 0 1 2 3 0 2 4 6 तो 2 शेष, तो कोड भी कितना रहा है 2, प्लस भागफल इसका 14 चौके 56 और कहते भाग 7 भाग कर दो फिर 10 57 67 और 2 69 और 2 71 और 14 85 और 85 ने 7 भाग 12 7 84 12 तो हफ्ते हैं, हफ्ते हैं तो के मारा रहा है गोली, शेष के बचा रहा है 1, 1 का मतलब हफ्ता का पहला दिन कौन रहा है संडे, पहला दिन कौन है संडे, तो इस सवाल का आंसर संडे आ जाएगा। अरे डायरेक्ट देसी दुआई दे थी रे मैंने, देखियो वाला लगेगी के जोड़ियो ना, पेपर में सवाल हल करना है, 10 में तो 7 कह दो गोली मारो, अब ता दिख दे गोली मार दियो, 7 उड़ा दो के ले ले रहा है 3, 7 8 56 56 दिन तो उड़ा दो के ले ले रहा है 1, 2 उड़े को नुका नु ले लो ना, यो 2 उड़े 14 ने उड़ाओ फिर बम फेंक दो 14, 2 हफ्ते हैं 7 × 14 उड़ा दिया 3 और 1 4 4 और 2 6 6 इसने उड़ा दो 3 और 2 5 और 2 7 यो भी उड़ा दिया, क्या तब ता बन गया के बचा रहा 1, और पहला दिन कौन रहा है संडे उत्तर आ जाएगा। एक बार कमेंट करके बता दो यह बात सबके समझ में आएगी के, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था यू, एक बार कमेंट करके बता दो। मंडे भाई, मंडे उत्तर नहीं आएगा, रामकरण शर्मा मंडे आंसर नहीं आएगा, संडे आंसर आएगा मेरे भाई, संडे आंसर आएगा, जिसका मंडे है वो गलत है। जी सर आ गया, यस सर संडे, तो याद रखियो भारत में 1857 की क्रांति एतवार ने शुरू हुई थी, और वो भी अपना जमाई से उठे जमा छुट्टी वाला दिन, तो मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी में आग लाई थी, और मेरठ की छावनी में आग लांदा है सीधा दिल्ली, किसका दरबार में बिग्या था रहे बहादुर शाह जफर द्वितीय, मुगला का अंतिम शासक होया करदा, उसका दरबार में जय पहुंचा, और जंदे नुबलिया जी अंग्रेजा गले, पहली सी लड़ाई थी भारत में जो हिंदू प्लस मुस्लिम वर्सेज ईसाइयां की लड़ाई थी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई थी, बाकी लड़ाइयों में तो हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो गए, लेकिन इस लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एकता थी, और ईसाइयों के प्रति अंग्रेजों के प्रति यह लड़ाई थी, अपना एतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, और नू पूछ ले कड़ा एग लाई थी, अथवा 1857 की क्रांति शुरू तो हुई 10 मई ने, कड़ते शुरू हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी, और मेरठ की छावनी में एग लांदे सीधे दिल्ली, किसके द्वारा पहुंच गए बहादुर शाह जफर द्वारा, बलिया जी
बचाइयो। अगला पहले मरण हो रहा था, 80-82 साल का बूढ़ा हो रहा था, अगला पिंडी काम थी उसकी, अंग्रेजा तो डरिया करता, बोलिया मैं आपे मरण हो रहा था, कड़ता बचाऊंगा बोलिया। फिर उसका सेनापति होया करता बख्त खां, याद रखिए बात, बख्त खां उसका सेनापति था। उसका सेनापति ने बोलिया महाराज अपनी हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई है और जी आदगी बादशाह अपना धर्म भी बचाना है, और नुबलिया एक काम कर लो, कम तक मां भर लो, समैल तो मैं आपे लूंगा। जब बेचारा ने उती बहादुर शाह जफर ने कंबदा कंबदा ने डरदा डरदा ने हाथों भर ली, कदे अंग्रेज तेरे पिंडिया पर लठ मारा रवाई बनी थी, फिर बेचारा बहादुर शाह जफर बंद भी कर दिया था, कैद भी कर दिया गया था। तो चलिए आगे बात करेंगे, या जिक्के पे चले गए थे आप, तो देखो वापिस आप रीजनिंग में आवा हाँ और बात करा, एक सवाल और करवाऊ, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक सवाल और लिख रहा हूं यहां पे। चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं, हाँ सर हिस्ट्री भी करवा दी, हाँ हिस्ट्री भी करवा दी, वह हिस्ट्री की बात बता दी, तरते हैं बात भी ध्यान में रखियो। चलो आप एक बात करा, चलो मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख लो, 12/5/1800 के लिखोगे रे, 1871 लिख दिया, चलो मैंने 12/5/1871 के दिन थारे काढ़ा वे ले बे, देख लो 1, 2, 3, 4, 5 पहली राखरी लिख दी रहे, 12+71 पांचवा भी ना कोड रहा है, 144025 कोड कितना रहा है 2+ लास्ट 40 दिन 4 4 4 16 6 2 तो कोड भी कितना रहा है 2 और 4 पे कट्या 17 6 68 अरे जोड़ियो ना गोली मारूंगी मैं, 12 में 7 तो उड़ा दिया के ले लिया रहा 5 71 10 7 70 1 ये 2 पड़े रहने दो, 7 पकड़ देखो नहीं 17 में 14 तो उड़ा दिया के ले लिया 3 और 5 और 1 6 2 8 2 10 3 13 13 ने 7 भाग दोगे 7 1 7 के बचा रहा है 6 छठा दिन के रहा है शुक्रवार, फिर क्या थे जोड़ो हो 13 भी ना लिखो, देखियो रे 5 और 2 7 ऐडे उड़ा दो 3 और 2 5 और 1 6 6 आपे 6 बजेगा छठा दिन रहा है शुक्रवार उत्तर आ जाएगा, 7 फालतू दिख दे तुरंत गोली मार दिया करो, फालतू जान की जरूरत को नहीं, कैलेंडर की जब भी चर्चा चल रही हो 7 दिख दे, बंदूक तैयार रखा करो, बंदूक में जर नहीं लग रहा हो, गोली गले गुले तैयार रखा करो, अपने आप सीधा उठी उड़ा दिया करो, अपने आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार कॉमेंट करके बता दो सभी विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आ गई क्या, अब एग्जाम में ऐसा कोई भी दिन निकालने का सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, एक बार जल्दी कॉमेंट करके बता दो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो इतनी बात सभी विद्यार्थियों समझ में आ गई क्या। जी सर आ गई जमा, सर आ गई, यस सर, चलिए भाई आ गई, तो आज के लिए आपसे जुड़े और आप हमारे से जुड़े, तो आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।